व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन। मटन इसमें मैंने लिया है 3 पाव मटन। प्याज अनियन को मैंने ऐसे काट लिया है, ठीक है। इसके लिए आधा मैंने ऐसे काटा है, आधा मसाले के लिए ऐसे काटा है। इसमें 3 अनियन है और 1 यहाँ पे है बड़ा साइज का। इसमें तेज पत्ता, गोटा जीरा, सूखी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा, थोड़ा गोलकी लिया है मैंने, हल्दी, टमाटर, नमक, सरसों का तेल, कश्मीरी लाल मिर्च, आलू। इसको मैंने बड़ा बड़ा काटा है, बड़ा बड़ा साइज में, क्योंकि ये मैं प्रेशर कुकर में बनाऊंगी इसीलिए बड़ा बड़ा साइज का मैंने काटा है। दही इसमें करीब 2 चम्मच मैंने दही लिया है, बड़ा चम्मच का। लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, 1.5 चम्मच अदरक का पेस्ट और मिर्चा, हरी मिर्च का पेस्ट मैंने 1 चम्मच लिया है। इसमें आपको ज्यादा तीखा चाहिए तो आप ज्यादा भी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना रेसिपी। पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। सब मसाले मैं इसमें मिला दूंगी अभी। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। हल्दी, धनिया और सूखा लाल मिर्च और गोलकी, ऑनियन को इसमें मैं मिला दूंगी, जीरा और तेज पत्ता। सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ, पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इसमें मैंने करीब 2 चम्मच में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ, उसमें बड़ा चम्मच का। स्वाद अनुसार दे दीजिएगा इसमें। सरसों का तेल 2 चम्मच, आप चाहे तो सरसों का तेल को गरम करके भी दे सकते हैं। दो से ढाई चम्मच मैंने यहाँ पे सरसों का तेल दिया। और इसमें टमाटर भी डाल दीजिए। अब इसको मैं हाथ से मैरिनेट करूंगी, हाथ से करने से ठीक से मैरिनेट होगा। जल्दी बन भी जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। मैरिनेट हो गया, अब इसको आधा घंटे के लिए मैं रख दूंगी, क्योंकि तब ताकि मसाले अच्छे से मिल जाए। उसके बाद मैं इसको रेडी करूंगी। आधा घंटे के लिए मैं अभी रख दूंगी, आधा घंटे के बाद मिलते हैं आपसे। कब 3 चम्मच अब मैं इसमें ऑयल दे रही हूँ। थोड़ा सा गर्म होगा, उसके बाद मैं आलू फ्राई कर लूंगी मटन के लिए। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और रेसिपी कैसी लगी आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, घर में ट्राई करके जरूर बोलिएगा कैसे हुआ है रेसिपी। सब्सक्राइब प्लीज कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आप लोग वीडियो देख लेते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। थोड़ा सा नमक देकर आलू को मैं फ्राई कर लूंगी। सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लीजिए, आलू को फ्राई कर लीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ इसको।
देखिएगा बना के, बहुत अच्छा लगता है। ज्यादा कुछ नहीं लगता है इसमें मसाला। प्याज ऐड करेंगे, थोड़ा गल भी नहीं है पूरा तो भून लीजिए हल्का से, ताकि इसका कच्चापन चला जाए। तो बाद मैंने जो मटन को मैंने कच्चा तो रखा था इसमें दे दूंगी। तो मैं कढ़ाई फ्राई करके उसके बाद मैं इसमें प्रेशर कुकर में इसको बनाऊंगी, जल्दी भी हो जाएगा इसको ज्यादा अच्छे से फ्राई करने से इसका टेस्ट भी आएगा। जिसमें मैंने मैरिनेट किया था मटन को उसमें मैं पानी गर्म कर दूंगी, पानी गर्म करके देने से टेस्ट उसका ज्यादा अच्छा होगा। पानी मैं गर्म कर ले रही हूँ, जब तक इसमें से ऑयल नहीं निकल रहा है तो अच्छे से फ्राई होने दीजिएगा। जब सारा ऑयल निकल जाएगा अब इसको कुछ देर ढक दे के तो अच्छे से होने दीजिए, पक करिए मीडियम फ्लेम कर लीजिएगा। 10 मिनट बाद बस इसको ढक्कन खोल के मैं चलाते रहूंगी ताकि अच्छे से ऑयल निकल जाए। 20 मिनट के बाद मैंने देखिए इसमें से ऑयल निकल गए हैं। अब इसमें मैं आलू को दे देंगे क्योंकि इसको पहले से नहीं दी है, क्योंकि ये प्रेशर कुकर में भी होगा ना तो ज्यादा तो के लिए इसके साथ फ्राई करती तो गल जाता आलू सब, इसीलिए इसको बाद में दीजिएगा, लास्ट में दे के उसके बाद प्रेशर में दे दीजिएगा। आप चाहे तो इसको कढ़ाई में भी ऐसे ही पका सकते हैं, पर फिर 45 मिनट 1 घंटा तक लगेगा इसको पकने में। इसको आप अभी मैं प्रेशर कुकर में दे दूंगी, कैसे अब जो मैंने पानी यहाँ पे गर्म करके रखा था इसको थोड़ा सा यहाँ पे दे दूंगी, थोड़ा देख के कढ़ाई में जो मसाला लगा हुआ है पानी दे के तो सारा मसाला उसके बाद मैं इसको प्रेशर कुकर में दे दूंगी। इसको अब इसमें जो पानी गर्म मैंने किया था, आपको ज्यादा ग्रेवी चाहिए तो ज्यादा दे सकते हैं, या फिर थोड़ा ज्यादा पानी ऐड करूंगी, कसा पतला रखूंगी, ज्यादा ग्रेवी ग्रेवी नहीं रखूंगी। आप चाहे तो इतना पानी भी दे सकते हैं, आप ज्यादा भी दे सकते हैं। इसे मिक्स कर लीजिएगा, नहीं तो पानी देके बाद मिक्स नहीं कीजिएगा प्रेशर कुकर में नीचे में लग जाता है कभी कभी। अब इसको करीब 2-3 सीटी मैं इसमें दूंगी, मैंने प्रेशर कुकर में 3 सीटी दे दिया। देखिए मटन हो गया, देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। गैस को ऑन कर लीजिए, इसमें मैं थोड़ा सा गरम मसाला लग जाऊंगी। बस रेसिपी तैयार हो गया है, आप लोग इसको चावल के साथ पेरिस के साथ रोटी के साथ खा सकते हैं। मैंने गरम मसाला लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जो चाहिए मिक्स कर दीजिए, मिक्स करने के बाद थोड़ा देर के लिए पूरा गोल चेंज कर दीजिए।
अब मैं इसको आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। मैंने यहाँ पे फ्राइड राइस के साथ इसको सर्व किया है। आप लोग घर में जरूर ये रेसिपी एक बार ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे ही नए नए रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलते रहे हमेशा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके व्यूअर्स, बाय बाय।